नमस्कार दोस्तों, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो और मजे में हो। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे अगर जातक की कुंडली में शनि महाराज चौथे घर में विराजमान हो जाए, फोर्थ हाउस में ये चौथा घर है, चौथे घर में विराजमान हो जाए तो जातक को क्या फल देंगे। देखिए, चौथे घर में शनि अपनी शुभ और अशुभ स्थिति के हिसाब से फल देते हैं। ना ही सभी को शुभ फल देते हैं, ना ही सभी जातकों को अशुभ फल देते हैं। अगर शुभ स्थिति में हो तो शुभ फल देंगे, अगर अशुभ स्थिति में हो तो अशुभ फल देंगे। आज हम शुभ और अशुभ दोनों फलों की चर्चा करेंगे और उसके साथ ये भी बताएंगे कि अगर शनि महाराज अशुभ फल दे रहे हों तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, शनि महाराज की मकर और कुंभ अपनी राशि है, दसवीं और ग्यारहवीं, और तुला इनकी उच्च की राशि है, सातवीं राशि तुला इनकी उच्च की राशि है। शुक्र इनके परम मित्र हैं। अगर ये अपनी राशि में हो, अपनी उच्च की राशि में हो, अपनी मित्र की राशि में हो तो ये अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा अगर इन पर शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तब भी ये शुभ फल देते हैं। अगर शुभ ग्रह बृहस्पति या शुक्र के साथ पड़े हों तब भी ये शुभ फल देते हैं। अब दूसरी ओर आ जाइए, अगर ये शत्रु की राशि में पड़े हों, इनके परम शत्रु सूर्य हैं, सूर्य के घर में आ जाए तो खराब फल देंगे, चंद्र के घर में आ जाए तो खराब फल देंगे, अपनी नीच राशि में आ जाए, मेष इनकी नीच राशि है तो खराब फल देंगे, मंगल के घर में भी इतना अच्छा फल देते नहीं देखे गए हैं। अगर किसी क्रूर पाप ग्रह के साथ आ जाए, मंगल के साथ आ जाए, सूर्य के साथ आ जाए तो भी खराब फल देंगे। अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे मंगल की पड़ रही हो, सूर्य की पड़ रही हो, राहु की पड़ रही हो, तब भी ये अशुभ फल देते हैं। तो ये तो बात होगी शनि महाराज कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं। देखिए, अगर शनि महाराज चौथे घर में शुभ पड़े हों, शुभ शनि महाराज पड़े हों, तो ऐसा जातक बहुत होशियार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे जातक, उनमें बहुत बुद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनमें जिम्मेदारी की भावना बहुत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, ये सारा पूरे जिम्मेवारी से, पूरी तनदेही से अपना सारा काम करते हैं। इस तरह के जातक धैर्यवान होते हैं, पेशेंस बहुत होती है इनके पास, और आसानी से कोई भी विपरीत स्थिति आ जाए, कोई भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, बहुत आसानी से उसका मुकाबला, बहुत धैर्य से उसका मुकाबला कर लेते हैं। ऐसे जातकों के अपने माता जी से संबंध भी मधुर रहते हैं, बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, अपनी माता जी के आशीर्वाद से ही ऐसे जातक तरक्की करते हैं। देखने में ऐसा आया है कि जिनके शनि चौथे शुभ हो वो अपने माता, दादा, दादी यानी अपनी बुजुर्गों की सेवा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चौथे शनि वाले जातक शांत स्वभाव के होते हैं और अपने परिवार के प्रति पूरी जिम्मेवारी निभाते हैं। इनको अपने परिवार के हर सदस्यों का ख्याल होता है कि किसका काम कब करना है, किसको कब किस चीज की जरूरत है, सभी का काम करते हैं, सभी की जरूरतें पूरी करते हैं, अपने परिवार के प्रति ये पूरी तनदेही से काम करते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। चौथे शनि वाले जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और गरीबों की, बेसहारों की मदद करते रहते हैं। इनको पता चल जाए कि किसी को मदद की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, उसने अपनी लड़की की शादी करनी है, या कोई बीमार है, उसके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं है, ये जरूर मदद करेंगे उनकी। जिनके चौथे शनि शुभ पड़े हों वो अपने घर में पूरा अनुशासन बना के रखते हैं, वो चाहते हैं कि घर का हरेक सदस्य, हरेक मेंबर अनुशासन में रहे। इनके पास मकान, जमीन, जायदाद, वाहन आदि सारे सुख होते हैं और 35 साल की उम्र के बाद
आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र के बाद इनकी जमीन जायदाद और अगर मकान बड़ा बनाना हो या बड़ा लेना हो उसमें बहुत वृद्धि देखी गई है। ऐसे जातक प्रकृति से भी प्यार करते हैं, अगर इनके पास जगह हो तो बगीचा वगैरह लगाना भी पसंद करते हैं। ये तो होगी भाई शुभ शनि का फलादेश। अब शुभ शनि की बात कर लेते हैं, अगर शनि महाराज चौथे घर में शुभ स्थिति में पड़े हो तो क्या फल देते हैं देखिए। जो सबसे महत्वपूर्ण फल अनुभव में आया है कि अशुभ शनि जिनके चौथे भाव में पड़ा हो ऐसे जातक कर्जा तो ले लेते हैं, बहुत ज्यादा कर्जा ले लेते हैं, लेकिन जब कर्जा उतारना हो तो ये बहुत बुरी स्थिति में फंस जाते हैं, तब बहुत बुरी स्थिति में फंस जाते हैं भाई। तो इनको कई बार अपना मकान जमीन जायदाद आदि बेचकर कर्जा चुकाना पड़ता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि चौथे में शनि अशुभ है तो कर्जा लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए, जितना हो सके कर्जा ऋण वगैरह नहीं लेना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि अगर चौथे भाव में शनि देव अशुभ फल दे रहे हो तो इनको जमीन की सेल परचेज में, प्रॉपर्टी की सेल परचेज में अचानक घाटा पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे इन्होंने पहले कोई सौदा किया जमीन का घर का तो उसमें इनको लाभ हो गया, इन्होंने लाभ के साथ सारी अमाउंट किसी दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दी, किसी दूसरी जमीन जायदाद में लगा दी और वहां इनको अचानक से घाटा हो गया और घाटा भी बहुत बड़ा हो गया। ऐसा देखने में आता है अगर शनि महाराज अशुभ फल दे रहे हो। जिनके शुभ शनि पड़े हो चौथे घर में उनमें अहंकार ईगो की भावना थोड़ी अधिक होती है, जिसके कारण उनके बिजनेस में भी घाटा पड़ता है और रिश्तेदारों व मित्रों से भी कभी कभार अनबन होती रहती है। चौथे शनि शुभ पड़े हो तो डिप्रेशन का रोग इनको हो सकता है और नर्वस सिस्टम का रोग भी हो सकता है, क्योंकि इनको टेंशन ज्यादा आ जाएगी जिसके कारण ये सोचते सोचते अपने मन में डर ऐसा बिठा लेंगे और एक ही चीज को बार बार सोचते रहेंगे और डर मल्टीप्लाई होता जा रहेगा, जैसे 2 का 4, 4 का 8 ऐसे डर मल्टीप्लाई होता रहेगा और वो डिप्रेशन में बदल जाएगा। ऐसा भी देखा गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी तो इनकी याददाश्त कमजोर होती रहती है। अगर शनि चौथे शुभ फल दे रही हो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी याददाश्त कमजोर होती रहती है। अशुभ शनि वाले जातकों का जीवन थोड़ा संघर्षमय रहता है और इनको अपने घर में भी चैन नहीं आता। नहीं तो ज्यादातर ऐसा हमें लगता है ना कि जैसे घर में पहुंच गए तो भाई अब पूरे सुखी हो गए, बहुत आराम मिल रहा है, हम अपने घर में पहुंच गए, लेकिन इनका घर पर दिल कम लगता है, घर पर भी ये आराम की स्थिति महसूस नहीं करते अगर चौथे घर में शनि अशुभ स्थिति में पड़ा हो। अब भाई जल्दी से शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। देखिए तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी, 1, 2, 3। तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, दुश्मन का भाव भी होता है, जे रोग का भाव भी होता है, कंपटीशन का भाव भी होता है, इस पर पड़ेगी दृष्टि। तो अगर जहां शनि की शुभ राशि हो, मित्र राशि हो, उच्च की राशि हो, तो ऐसे जातक पॉलिटिक्स में बहुत लाभ कमाते देखे गए हैं, क्योंकि शत्रु नाश हो जाता है, पॉलिटिक्स में ये अपना नाम चमकाते देखे गए हैं। अगर जहां शनि की शत्रु राशि पड़ जाए तो भाई इनको कोई इस तरह की बीमारी लग जाती है जिसके कारण इनको उम्र भर दवाई खानी पड़ती है, कोई क्रोनिक डिजीज लंबी बीमारी लग जाती है तो उम्र भर इनको दवा खानी पड़ती है। अब 7वीं दृष्टि की बात करें, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाई 10वें घर पर, अगर यह शुभ हो, शनि की मित्र राशि हो, उच्च की राशि हो, तो व्यापार नौकरी अच्छी चलेगी, पिता से प्रेम भी अच्छा रहेगा। अगर जहां शनि महाराज की शत्रु राशि आ जाए तो काम भी ये बार बार
चेंज करना पड़ेगा इनको, कभी ये काम कर लिया कभी वो काम कर लिया, और अगर सर्विस करते हो तो बार बार तबादला आदि होता रहेगा, और बॉस से भी इनके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है अपने बॉस से। अब 10वीं दृष्टि की बात करते हैं। 10वीं दृष्टि पड़ेगी लगन पर। अगर लगन पर उच्च राशि हो, तुला के उच्च के होते हैं, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, अब शुक्र की राशि हो, वृक्ष राशि हो, तो ये शुभ फल देंगे। और लगन पर अगर ये शुभ फल दे रहे हो तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत गजब की होगी। चौथे शनि पड़ा हो और लगन में इसकी शुभ दृष्टि हो तो बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। जब वो बात करता है ना तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत तजर्बेकार बंदा बात कर रहा हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन बात करता हो। इनको जिंदगी के हर क्षेत्र का एक्सपीरियंस होता है और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर भाई यहाँ शत्रु राशि पड़ी हो शनिदेव की तो क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं और जिंदगी से असंतुष्टि देखे गए हैं, कोई ना कोई जिंदगी से शिकवाई होता है कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मित्र ऐसे मिल गए, माता ऐसी मिल गई, भाई ऐसे मिल गए, जिंदगी से कोई ना कोई शिकवाई रहता है। अब उपाय की बात कर लें, अगर शनिदेव अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो भाई ये उपाय कर लेने चाहिए। गरीबों को, विकलांगों को और बेसहारों की, गरीबों की, विकलांगों की, जिनका कोई अंग वगैरह कटा हो या ना हो, या बेसहारों की सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा बीमार व्यक्ति हैं जो, जिनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, उनकी भी मदद करनी चाहिए। और मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, पैसा तो उसके पास है लेकिन देखभाल करने वाला नहीं है, तो आप अगर थोड़ी बहुत देखभाल कर दे तो आपको कई गुना फल मिलेगा इसका। इसके अलावा शराब से दूर रहना चाहिए भाई, जिनके चौथे शनि अशुभ फल दे रहा हो उनको शराब से दूर रहना चाहिए, जितना हो सके शराब ना पिए। और शनिवार शाम के समय जब सूर्य अस्त हो चुका हो और अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो तो पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना है सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन। और क्या कर सकते हैं शनिवार के दिन, चाहे हर रोज ही कर दे ये उपाय, तो काले कुत्ते की हो और कौओं को, काले कुत्ते को और कौओं को रोटी डालनी है। अगर हो सके तो सरसों का तेल लगाकर रोटी डाल दे तो सबसे अच्छा रहेगा। जिन बच्चों के पास वर्दी नहीं है, स्कूल जाते हैं लेकिन ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आप उनको शनिवार के दिन वर्दी खरीद कर दे दें, ये भी एक अच्छा उपाय है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो ईश्वर की कृपा से शनिदेव की अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी और आपकी जिंदगी सुखी चलेगी। तो ये तो मेरा वीडियो था शनिदेव के ऊपर, अगर शनिदेव चौथे भाव में पड़े हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं आपका ऋणी हूँ तहे दिल से। थैंक्स अ लॉट।